बारह आए हुए हैं। और देखिए ऊपर से ये क्या है, यहाँ सीटी स्कैन का किसी से 900 रुपया ले लिया और किसी से 3500 मांग रहे हैं। और मैं खुद हॉस्पिटल आया, मेरी सेहत खराब थी थोड़ी, जब मुझे ये पता लगा कि गरीब लोग हैं, इनका बोलिए किसी को, इनका अकाउंट नंबर लीजिए और उनका जो डाटा बनाइए कि भेजिए, अभी भेज नहीं रहे उसको भेजिए और खुद भी विजिट करिए, देखिए पहले ये इंक्वायरी करिए कि इनसे पैसे क्यों लिए गए। एक्सरे कराया, पैसे लिए, ये एक्सीडेंट किए थे, कुछ रहा 35 हम गए 900 रुपये लेता सीटी स्कैन है 900 रुपये सर। सर कोई मीटिंग चल रही है क्या? फोन उठाने में देर लगा दी। और बाकी ये है कि मैंने मैडम को किया फोन, ये एक्सीडेंट हुआ है मोंगरी, 12 पेशेंट यहाँ आए हुए हैं और हद नहीं 12 आए हुए हैं। और देखिए ऊपर से ये क्या है, यहाँ सीटी स्कैन का किसी से 900 रुपया ले लिया और किसी से 3500 मांग रहे हैं। और मैं खुद हॉस्पिटल आया, मेरी सेहत खराब थी थोड़ी, जब मुझे ये पता लगा कि गरीब लोग हैं, इनका बोलिए किसी को, इनका अकाउंट नंबर लीजिए और उनका जो डाटा बनाइए, अकाउंट में आप किसको बोला आपने इनका बनाने में, किसको बोला? अभी भेज नहीं रहे उसको भेजिए और खुद भी विजिट करिए, देखिए पहले ये इंक्वायरी करिए कि इनसे पैसे क्यों लिए गए। इनके कहीं कहीं से कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, वो पैसे लेके थोड़े आए, जिसको पता चला एक्सीडेंट हो गया है और जहाँ पैसे मांग रहे हैं। अभी टाइम क्या हो गया, क्या टाइम हुआ? 4 बज रहे हैं, अब तक पेशेंट बाहर दर दर हो रहे हैं, ये हालत ठीक नहीं है। आप खुद आइए, मैडम को भी जहाँ लेके आइए, ठीक है? मेरी सेहत खराब है थोड़ी, मैं निकल रहा हूँ, लेकिन इनके साथ पूरा कोऑपरेट करिए और इनकी अभी लिस्ट बनाइए, इनका जो रिलीफ है जो भी बनती है वो उनके खाते में डालिए। क्या हद हो गई, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ क्या है, लूट खाना है जहाँ। ओके मैडम को बोलिए अभी आकर जिसको देखिए, और जिसने जब ब्लंडर किया इनसे पैसे लिए हैं उसको रिफंड करिए और उसका पेनल्टी डालिए उसको। सर अभी अभी आप एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है जिला अस्पताल में पहुंचे थे, जैसे कि सुबह एक एक्सीडेंट जो है मोंगरी एरिया में हुआ, उसके बाद जहां पर कुछ लोग जहां के लिए रेफ़र किए गए, क्या देखने को मिला और किस क्या दिक्कत आ रही थी उन लोगों को, जैसे कि आप जहां पर आए मौके पे? अभी देखिए मेरे हाथ से थोड़ी ख़राब थी, लेकिन वहाँ एक बेटी का अचानक डेथ हुई थी, मैं देवका घाट पर आया था, मैं सोच रहा था कि जो भी वहाँ इंजर्ड हुए हैं उनको मिलूं जाके, लेकिन वहाँ से हॉस्पिटल से कॉल आती है कि 3500 रुपया सीटी स्कैन के लिए मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, जबकि मुझे बहुत देर हो गई चलते हुए। जो भी एक्सीडेंट पेशेंट होते हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, पहले उनकी जान बचानी होती है। तो मैं हॉस्पिटल में आया, बाकी पता चला, मैंने CM अपने MS संजय भट्ट को पूछा, तो वो तो छुट्टी पे हैं कि भाई आज कोई नया आर्डर तो नहीं है इनसे पैसे लेने का 3500, उन्होंने कहा नहीं है। अब मैं आया तब तक वो उन्होंने फ़ोन किया होगा, जाके मैंने एमरजेंसी वार्ड चेक की, वहाँ लोगों से 900 रुपया लिया गया है सीटी स्कैन का, ये हालत है। मैंने DC मैडम को कहा है, मैंने फ़ोन लगाया, कहीं बिजी होंगी, मैंने DC साहब को कहा है कि मौके पर आइए दोनों और आके देखिए इनको और इन डॉक्टरों को कुछ हिदायतें दीजिए, इन पर एक्शन करिए, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये सब सेंटर नहीं है या कोई डिस्पेंसरी नहीं है, ये गलत है। और जो गरीब लोग हैं कहाँ मोंगरी, वो पैसे लेके थोड़े आए हैं कि 3500 रुपया पहले जमा करवाएं फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। सुबह 10 बजे एक्सीडेंट हो रहा है मेरे ख्याल से, अभी 4 बज रहे हैं, अभी तक पेशेंट दर बदर हो रहे हैं।
तो क्या लगता है सर, ऐसे डॉक्टर्स के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? मैंने हायर अथॉरिटी को बता दिया है कि आके चेक करिए, जो जिसकी भी गलती है, जिसके कारण अभी तक ये पेशेंट दर बदर हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई बनके वो करिए, ताकि कल कोई मेरा डिस्ट्रिक्ट का किसी का कहीं भी कोई कुछ हादसा हो जाता है, पहले उसको देखिए, पहले उसकी जान बचाइए, वो जरूरी है ना कि आप पैसे के पीछे घूमें, बाद में बिल बना के भेज दीजिए डीसी मैडम को कि इतना पैसा हमारा लग गया है। इनको तो उन्होंने आके अभी तक इनकी लिस्ट बनानी चाहिए जो इनको रिलीफ के लिए पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट देती है ना, मेरे जेब से जाते ना किसी के, वो मिलने चाहिए सभी को और देते भी हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं, लेकिन आज मुझे ये हैरानगी हुई कि अभी तक हमारे पेशेंट दर दर हो रहे हैं। जय हिंद।